नमस्कार दोस्तों, इस रविवार की चिर प्रतीक्षित लोग बहुत इसका इंतजार करते हैं। इसमें आप लोगों का हार्दिक स्वागत है सुबह 11 बजे की सभा में। सो दोस्तों, आज जो सुबह 11 बजे की सभा होती है, हमारे प्रिय डॉक्टर राजेश पांडे जी आते हैं और हम इस एक टॉपिक पे बात करते हैं। और वो टॉपिक यूजुअली मैं वो पिक करता हूँ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जो लोग ज्यादा जिसकी रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो आज का जो टॉपिक है, अर्थिंग थेरेपी, काफी ज्यादा आजकल चर्चा में है। तो वो हमारे ग्रुप में ही किसी ने भेजा था मुझे, व्हाट्सएप ग्रुप में, अर्थिंग का जो एक डॉक्यूमेंट्री है कि वो इज एन अमेरिकन है कोई, वो 70, ही इज इन 70s ना, तो पिछले 20-30 साल से वो इस पे काम कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि हमें हमारी प्राचीन सभ्यता में चीजें डेफिनेटली पहले से ही पता थी, तो हम उसपे आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब का जरूर इस पे पर्सपेक्टिव होगा। सो हम संडे की सभा, रविवार सुबह की सभा में पहले एक चर्चा पे टॉपिक पे एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, उसके बाद आप लोग के लाइव क्वेश्चन हम लेते हैं। और क्वेश्चंस वो होते हैं जो हम ज्यादा लोगों को वो चीज फायदा हो वो लेके चलते हैं, प्लस बच्चों और बुजुर्गों का हमेशा मेरा बायस होता है, उनके क्वेश्चन ज्यादा लेते हैं। तो दोस्तों, कल हमने सुबह किया था, शनिवार को चर्म रोग के ऊपर डॉक्टर विष्णु वारिया जी आए थे, और कल हमने एक नया फॉर्मेट में महामृत्युंजय मंत्र किया था जिसमें हमने क्विज किया था। बहुत लोगों ने सराहा है, वो जाके देखिए, 15-16 क्वेश्चन पूछे थे जिसके बेस पे आप पूरा माइक्रोबायोम का खेल समझ जाएंगे। तो आज का क्या माइक्रोबायोम का खेल है, इसमें है कुछ कि नहीं है, अर्थिंग में डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं। तो ब्रेक के उस पार मिलते हैं दोस्तों, जुड़े रहिए आप लोग। और जो लोग जुड़ गए हैं प्लीज लाइक कर दें और शेयर करना स्टार्ट कर दें। हम मिलते हैं ब्रेक के उस तरफ। डॉक्टर साहब नमस्कार एंड थैंक यू सो नमस्कार, मच, वेलकम टू द शो थैंक यू थैंक एज ऑलवेज। एक बार यू। फिर से आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंगल पे, वैसे तो मुझे दिख गया है कि आप थर्ड आई पे बैठे हैं, और लेकिन यहाँ से पूरा आपका पीछे वही सेंटर है ना डॉक्टर साहब का, थर्ड आई का प्लस पीछे मेरे ख्याल से वहीं पे आपका क्या बोलते हैं आप, सहस्रधार भी पीछे है। जी, और पीछे ब्यूटीफुल आप डॉक्टर, आज पेशेंट्स भी देख रहे होंगे, पूरा धूप सेक रहे हैं वहां पे। वेरी गुड डॉक्टर साहब, ये एक मचान सा है जिस पर मैं बैठा हूँ, और ब्यूटीफुल। ये लाइव सेशंस के लिए ही बनाया गया है मचान वाह ये। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो हम आज डॉक्टर साहब, जो हमने चर्चा का विषय चुना है आपसे, हम आपका पर्सपेक्टिव जो जानना चाहेंगे, अर्थिंग थेरेपी। सो मैंने, जैसा मैं दर्शकों को बता रहा था कि एक मैंने देखा था, एक डॉक्यूमेंट्री देखी, तो वो मेरी मेरे लिए आई ओपनर था डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से बोलता तो था शोज पे कि ये हम नंगे पैर चलते हैं पृथ्वी में, ऐसा क्या है कि मैं खुद महसूस करता था कि मैं हैप्पी फील करता था जब मैं पृथ्वी पे चलता हूँ नंगे पैर, तो डेफिनेटली मैं पैटर्न देखता था। मैं तो ये देख के मेरा तो बिल्कुल समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। तो इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव डॉक्टर साहब, ये सिर्फ ये प्लेसिबो है कि ये वाकई में वर्क करता है? व्हाट इज अर्थिंग थेरेपी, कितने देर हमें करना चाहिए, क्या हम हमारे सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में ये पहले से मौजूद है जो कि ये अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से फेमस हो रहा है? तो आपका क्या पर्सपेक्टिव डॉक्टर साहब, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू, थैंक यू अजीत जी। हम शुरू करेंगे वेदों से। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है, अगर कोई रेफर करना चाहे तो गूगल में उसका वो भी है। पृथ्वी सूक्त में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र। आपको याद होगा कि हम लोग, जब हम लोग शुरू, जैसे ही बचपन में हमें बताया जाता था कि उठते ही सबसे पहले भूमि को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद उस पे पांव रखना चाहिए, बॉडी का हर अंग पृथ्वी के से टच में रहे तो आप माँ से टच में हैं। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। नंबर वन, अगर आप बिल्कुल ही मूढ़ हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं और कुछ नहीं जानते हैं तो इस प्रिंसिपल पे चलिए।
दूसरा जब आपने झुक के प्रणाम किया, आप देखिए आपने स्पाइन को बेंड किया। जब आप झुकेंगे पृथ्वी और ये छुएंगे तो स्पाइन ऑलमोस्ट पूरा ही बेंड हो जाएगा। उसके बाद आप उठते हैं, विच मीन्स आपने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को टेम्पोरली रोक के फिर से वो किया ताकि अगर कहीं कोई ब्लॉकेज हो वो खुल जाए और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में जाने लगे, ब्लड सप्लाई ब्रेन में जाने लगे और वो ऐसे मतलब होने लगे कि आपका हर कुछ का सर्कुलेशन सही है। दूसरा ये है कि ये जो जितने भी इन्फ्लमेशन हैं, जो क्रोनिक इन्फ्लमेशन बेसिस ऑफ ऑल डिजीजेज हैं, एक्यूट इन्फ्लमेशन इज द बेसिस ऑफ एन एक्यूट डिजीज, क्रोनिक इन्फ्लमेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजीज, फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीज टू कैंसर, यू नेम इट एंड इट्स देयर। तो क्रोनिक इन्फ्लमेशन मैनिफेस्ट कैसे करता है बॉडी में और कैसे इसका ये होता है, इट्स एन दिस इज एन इलेक्ट्रिकल बॉडी विथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एनी इन्फेक्शन वो शॉर्ट सर्किट का काम करता है, उसमें रेजिस्टेंस चला जाता है। जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, वहां पर जाके अर्थ कर देता है। आप अपने आप को अर्थ क्यों नहीं करते, अपने पांव जमीन पे क्यों नहीं रखते? मैं इतने सालों से हमारे ख्याल से जो जो हमारा फर्स्ट या सेकंड एपिसोड होगा उसमें भी मैंने ये बोला था, जिनके पांव जमीन पे नहीं है वो बहुत दिनों तक जमीन पे रहेंगे नहीं, लिटरली एंड फिगरेटिवली। ये बड़ा जरूरी है, हमें ये यस बात जितना जल्दी हम समझें उतना सबके लिए अच्छा है। इसलिए इस पे हम थेरेपीज निकाल दें, इस पे हम जो कर दें वो तो बाद की बात, बेसिक बात, मूल बात ये है कि पांव धरती पे रखना जरूरी है ताकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, अगर हे वायर कहीं जा रहे हैं, यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अगर ब्रेन में चले गए तो एपिलेप्सी पैदा करते हैं, हार्ट में चले गए तो एट्रियल फिब्रिलेशन पैदा करते हैं, दूसरे ऑर्गन्स में चले गए तो वाइब्रेशन डैमेज करते हैं, ये सेल्स में चले गए तो सेल्स फ्लटर में चले जाते हैं और लूज मोशन आता है, कई चीजें हो, ऑल दीज आर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। तो इस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को आप सबसे पहले अर्थ कैसे करोगे, पांव जमीन पे रखिए। दूसरा, कमिंग टू द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इट, जीरो पॉइंट एनर्जी, उसको जीरो पॉइंट ग्रेविटी भी कहते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी इज द सोर्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉस्मोस, दिस अर्थ एंड द मल्टीवर्सेस दैट आर देयर, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन योर बेयर स्किन इज टचिंग द अर्थ। इसीलिए जब सुनामी आया था तो जानवर नहीं मरे, वो अपना वो तुड़वा तुड़वा के पहाड़ पे भाग गए थे क्योंकि उनके पांव जमीन पे हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी टोल्ड देम दैट सुनामी आने वाला है। आप जूता पहने हुए थे, आपको पता नहीं चला, आप इंसान जो है मर गया, जानवर बच गए। जानवर तो मैं तो सेंट जेवियर स्कूल में जाते हुए देखा नहीं हूं जानवरों को, उनको कैसे पता चल गया? हमें तो इतना कुछ पता है जैसा हम क्लेम करते हैं, इसलिए कई बार लगता है कि हम पढ़ लिख के बेवकूफ होते जा रहे हैं, हमें बेसिक्स हम भूलते जा रहे हैं। इस पढ़ने लिखने के साथ साथ अगर हम बेसिक्स का भी ख्याल रखें तो हमारे ख्याल से उस सोने में सुहागा होगा। जो डेवलपमेंटल वर्क हम कर रहे हैं, जो साइंटिफिक वर्क हम जान रहे हैं, वो तो एडेड एडवांटेज है ही है। पांव जमीन पर रखिए जी। जी डॉक्टर साहब, ब्यूटीफुल। सो आपने शुरुआत ही वेदों से की तो मुझे लगता ही था कि वेदों में तो हमारा सब कुछ छुपा ही हुआ है। सो इस पे थोड़ा सा डॉक्टर साहब थोड़ा डिटेल में और जाना चाहूंगा मैं आपके साथ। इसके पीछे आपने बताया एक्यूट, थोड़ा सा दर्शकों के वो समझ के लिए जो पहली बार जुड़ रहे हैं, आपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की और आपने साथ में ही फिर बताया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सो दोनों में क्या फर्क है डॉक्टर साहब? और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, आपने बोला कि वो सब बीमारियों की जड़ है, तो जो मैं माइक्रोबायम वाले में हम शोज करते हैं उसमें जैसे मैं बोलता हूँ कि जो लीकी गट के बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या कोरिलेशन है? क्या मतलब जो पाथवेज टू रिकवरी है
उसका अलग है, इसका अलग है कि दोनों को मतलब मिल के चलना चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ होलिस्टिक वे में सब चीजों को डील करना चाहिए। जो इंजीनियर्स हैं और जो लेमैन हैं, डॉक्टर्स हैं उनको तो पता है, मेडिकल वर्कर्स हैं उनको तो पता है, जो लेमैन हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। इन इन्फ्लेमेशन का मतलब है इन फ्लेम्स, आग लग गई। अगर इलेक्ट्रिकल बॉडी है तो आग कैसे लगेगी? ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में आग शॉर्ट सर्किट से लगती है, जो मैंने पहले ही मेंशन किया था। शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे? क्योंकि एक पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरे पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचना है, पहले रेजिस्टेंस था तो बल्ब जल रहा था, जीवन ठीक से चल रहा था, मतलब दी स्पार्क ऑफ लाइफ वॉज स्पार्किंग, बट इट वेंट इन टू अ शॉर्ट सर्किट, विच मीन्स ऐसा संभव है कि इन्फ्लेमेशन में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अगर बैक्टीरिया या ये ज्यादा हो तो कई बार डेथ की भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हम बिल्कुल ही मतलब ठीक कर लेंगे, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब वही चीज बार 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 छोटे छोटे फॉर्म में आ रही है और हो रही है। तो बेसिक्स जो है, एंट्री पॉइंट इन द बॉडी, अगर आप देखेंगे ज्यादातर अगर यहां से इन्फ्लेमेशन एंटर किया तो ये लोकल रहेगा, लेकिन अगर यहां से एंटर किया तो वो जनरल रहेगा। इसीलिए जुबान पे लगाम कई चीजों को प्रिवेंट करता रहता है, कई चीजें, आपका जीवन ठीक चलेगा अगर जुबान पे लगाम है तो उसके लिए बेस्ट इज, जो आप इनफ्लेम्ड फूड खा रहे हो, कुक्ड फूड इज फूड इन फ्लेम, इन्फ्लेमेशन इज कमिंग फ्रॉम दैट कुक्ड फूड। देर आर वेरियस मैकेनिज्म्स वेयर वी कैन एक्सप्लेन हाउ इट इज कमिंग। सबसे पहले एसिडिटी है, इट इंक्रीजेज योर एसिड, इट डिस्टर्ब्स योर एसिड बेस बैलेंस एंड टिल्ट्स टुवर्ड्स एसिडिटी। एसिडिटी जहां भी होगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो शॉर्ट सर्किट का काम करेगी, तो वो शॉर्ट सर्किट का काम करती है, इसीलिए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऐसे है। अब आप एल्कलाइन फूड, जो अनकुक्ड फूड्स हैं, कई लोग बोलेंगे नहीं, एल्कलाइन आप कैसे बोलते हैं, हमने तो सेब का पीएच नापा था, वो 6.9 है। बात ये है कि एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी आर रिलेटिव टर्म, एब्सोल्यूट नहीं। कोई हम 7 के रेफरेंस में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप अगर कुक फूड खाते उसका 3.5 टू 3.75 पीएच होता। इसकी बजाय आप अगर सेब खा रहे हैं तो 6.9 तो है, तो आप 1000 टाइम्स कम एसिडिक फूड ले रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज मोर अल्कलाइन। सो इट इज अ रिलेटिव टर्म रादर देन एन एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट में ना जाएं आप कि नहीं, 7 के इधर एसिडिटी इधर एल्कलिनिटी, बॉडी ऐसे नहीं बिहेव करती है, बॉडी ऐसे नहीं चलती है। ये न्यूटोनियन फिजिक्स के लिए ठीक है, डेफिनेशन के लिए ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया वो ठीक है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन बॉडी ऐसे नहीं चलती। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसिडिक फूड एंड व्हाट इज एल्कलाइन फूड। एल्कलाइन फूड इज दैट फूड जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है और ऊपर वाले की आग में पका है, जैसे धूप में पका है। एसिडिक फूड वो है जो इंसान की आग में पका है या प्रोसेस हुआ है, वो एसिडिक फूड। तो ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड, ऑल काइंड्स ऑफ कुक्ड फूड, अगर एक हम समन्वय बना के चलें तो जीवन बहुत ठीक चलता है जी। और आप देखिए, आज कुछ संयोग ऐसा है कि इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे हैं, धूप यहाँ पे पड़ रही है और मैं अपनी प्रतिबिंब में देख रहा हूँ कि वो लग रहा है कि आग लगी हुई है, इन्फ्लेमेशन वाली बात वो दिख रही है मेरे को प्रतिबिंब में जी। जी डॉक्टर साहब, आपने प्रतिबंध की बात आपने छेड़ दी है, तो एक अभी कमेंट ये आया, देखिए रियांश रेख कह रहे हैं कि ऑल्सो आई मेट डॉक्टर पांडे लास्ट ट्यूजडे एंड दिस वीडियो स्ट्रीम इज नॉट ट्रू,
because he is way more smart and tejasvi as he looks in YouTube videos. So डॉक्टर साहब अब आते हैं अब फिर से वापस मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा मैं आई वुड लाइक टू गो डीप और थोड़ा सा ऐसा करना चाहूंगा कि लोगों को क्लियर हो जाए ये इसका टॉपिक का. सो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में जो आप ये बोल रहे हैं जो फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, तो फ्री रेडिकल्स आर लाइक रेडिकल का मतलब ही होता है कि अग्रेसिव, यू नो. तो एज सिंपल भाषा हिंदी में बोलूँ तो जैसे आतंकवादी तरह से रेडिकल है वो, तो वो फ्री रेडिकल है, वो इधर उधर बॉडी में घूम रहा है. उसको उसमें उसको एक डांस पार्टनर कहते हैं कि जैसे चाहिए उसको, तो वो डांस पार्टनर उसको नहीं मिलता है, तो वो आपके जो हेल्दी सेल्स में से भी उसको तोड़ के तोड़ने की कोशिश करता है और इसी से आपको हार्म करना शुरू करता है. तो ये जो कहते हैं कि जब आप नंगे पैर चलते हैं तो अर्थ में से जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है तो आपके वो जो फ्री रेडिकल उसको एक डांस पार्टनर मिल जाता है, वो हेनरी काम्स डाउन. एंड दैट्स हाउ दिस अर्थिंग सिस्टम, दिस अर्थिंग जो थेरेपी की बात कर रहे हैं, दैट्स द प्रिंसिपल बिहाइंड कि क्यों ये काम करता है. तो एम आई राइट इन थिंग, पार्शली राइट, कंप्लीटली राइट, नॉट राइट एट ऑल? तो क्या सिस्टम है? और जो वोल्टेज का जो मैं देख रहा हूँ वीडियो भी, एक पूछा भी है कैलाश जैन जी, एक्चुअली योगेश जी हैं हमारे, ये कहने कि जीरो अर्थिंग का मतलब सेल वोल्टेज जीरो होना होता है या कुछ और ही है? एक्चुअली क्या है, जीरो फ्रॉम इंसेप्शन, फ्रॉम इट्स प्रोमलगेटर, जो बुक्स में लिखा है कि आर्यभट्ट ने जीरो डिस्कवर किया, वहां से लेके आज तक जीरो इज अ मिसअंडरस्टूड नंबर. वो इतनी अंडरस्टैंडिंग जीरो की हमारे ख्याल से जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है दैट इज अनक्वेश्चनेबल, उसको मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जीरो हम बहुत लूजली यूज करते हैं. द आइडिया इज आपका जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में जो डैमेज कर रही है, अगर आप पांव जमीन पर रख देते हैं या समहाउ आप अर्थ हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तरीका कोई भी हो सकता है, तो आप अपने जो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो अदरवाइज किसी न किसी ऑर्गेन को डैमेज करते, किसी न किसी तरीके से आपको डैमेज करते, या अगर कोई डिजीज है तो उसको और प्रोपगेट करने में हेल्प करते, उनको आप हटा रहे हैं. तो इट कैन बी टेकन एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी. और वैसे भी खाली पांव जमीन पे चलना 30 मिनट्स का, आप अगर कोई भी प्रोटोकॉल हमारा जो हमने पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन दिए होंगे उसके प्रोटोकॉल में शुरू से ही होगा कि 30 मिनट आपको खाली पैर जमीन पे चलना ही है. द आइडिया इज टू मेक यू एब्सोल्युटली एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ताकि आप अर्थ हो सके. जी तो डॉक्टर साहब फिर इस पे आते हैं कि जैसे नंगे पैर चलना है, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं कि नंगे पैर, फिर जैसे कोल तार की सड़क है डज इट काउंट, सीमेंटेड सड़क है सीमेंटेड है डज इट काउंट, और जो घर में हम जो हमारी फ्लोरिंग है सीमेंटेड है या कार्पेट है या लकड़ी का है वुडन है, तो डज इट काउंट कि भाई वो ग्राउंडिंग हो रहा है? सभी जगह काउंट कर एक्सेप्ट वुडन फ्लोरिंग, सभी जगह काउंट करते हैं. मैं आपको बताता हूँ क्यों. एक सहज बात ये है कि वो एक एक्सपेरिमेंट है, वो आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप वो एक्सपेरिमेंट ट्राई ना करें जहाँ पर बिजली बिजली की चीज़ें हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कई चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं. अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए ना, उसको पूछिए कि आप अर्थ कैसे करते हैं, आपने जो घर में अर्थिंग दिया है कैसे दिया है. तो हर फ्लैट के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में ऐसा होता है कि वहाँ तक अर्थिंग पहुँचती है. तो चाहे आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, जो चीज़ धरती से प्रोपगेटर के तौर पे जुड़ी है, जैसे रबर इज़ अ डिस प्रोपगेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रोपगेट नहीं करता, वो उसको रोक देता है. तो बाकी सब चीज़ें जो प्रोपगेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इवन जैविक चीज़ें जैसे घास, ये प्रोपगेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को. तो ये हाँ, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को काटना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल हम सेल फोन यूज हमारा इतना बढ़ गया है कि आपके ये बदन में नहीं चाहते हुए भी प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी का होता ही रहता है.
इसलिए आज के दौर में ये इसके पहले इतना जरूरी नहीं था जितना आज के दौर में जरूरी है कि आप अपने आप को अर्थ करें, क्योंकि आप जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं ये सभी आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हे वायर कर रहे हैं, और तभी जाके डिप्रेशन से लेकर सिज़ोफ्रेनिया तक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा ये उसको प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ग्रीनरी, धूप, पेड़ के नीचे बैठना और पांव जमीन पे रखना। ये सभी चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन आप करते हैं, जैसे आप जंगल जैसी चीज़ में रहते हैं, यस आई फॉगॉट काउडंग, ये गोइठे उपले जो मतलब बोले जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा से प्रिवेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। इसलिए जिस हट में काउडंग से वो किया गया हो, उसमें लेप लगाया गया हो जो हम यूजुअली गांव में करते थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो हटाते हैं। भगवान ना करे कल को अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोशन कहीं हो, उसके अगर रेडिएशंस बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं, तो उस समय रेकमेंड किया जाएगा कि आप एक झोपड़ी में रहें जिसको काउडंग से आप ये तब तक काउज को संभाल के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि काउज ही ना रहे तो काउडंग कहाँ से मिले। ये जी एक मैसेज था जी। जी मैसेज समझने वाले हो सकता समझ गए हो। मैंने शायद अपने माइक्रोबायम सीरीज में एक बार ये बात कवर की थी कि जर्मनी में एक चीज है कि जर्मनी के एक तो साइंटिफिक हमेशा एडवांस रहे हैं वो हमारे, और जितने भी उनके साइंटिस्ट रहे हैं वो संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे हैं। तो उसी सीरीज में मैंने बताया था कि बिल्कुल जो आपने बात बोली डॉक्टर साहब कि वहां पे उन्होंने काउ डंग को लेके, देसी गाय के काउ डंग को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वाकई में उन्होंने पाया कि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है उसको रिड्यूस करने में बहुत कारगर साबित होता है। और वो लोग अभी इस पे और एडवांस रिसर्च ऑफ कोर्स चल रहा है, तो एनीवन कैन गो। वही मैं बोलता हूँ, आजकल जो जमाना है सोशल मीडिया का, कुछ भी आप झूठ बोल के निकल नहीं सकते आप। तो आपको जो बोलते हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठोक बजा के बोलते हैं, और तो आप लोग प्लीज हमेशा, मैं बोलता हूँ लेकिन, कि आप लोग अपना रिसर्च करें थोड़ा, हमें भी आप लोग भी थोड़ा सा ज्ञान बांटे। तो डॉक्टर साहब इस पे लास्ट एक चीज और मैं कवर करूंगा बिफोर वी यू नो कंक्लूड दिस टॉपिक, कि आप क्या होता है डॉक्टर साहब कि ना मैं देखता हूँ कि फैट हो जाता है यू नो सिंपल। अभी क्या हो रहा है कि पहले पेलियो डाइट चला था, फिर कीटोजेनिक डाइट चला, अभी कार्निवोरस डाइट बहुत चल रहा है वेस्ट में, अमेरिका वगैरह में आजकल सिर्फ मीट खा के ठीक हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो जब फाइबर आप खाएंगे तभी उसको आपके इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करेगा। तो कल मैं इस पे मैंने पूरा दिया जो लोग समझना चाहते समझे। तो अब वो कार्निवोर डाइट का चल पड़ा है कि इससे कुछ हमारे बॉडी में खराब नहीं हो रहा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में सारी चीजें काम नहीं कर रही हैं, यू आर इधर इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। तो वो ऐसे नहीं, तो अभी जो फैट चल पड़ा डॉक्टर साहब ये जो अर्थिंग थेरेपी का, तो अब सब लोग क्या कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि अर्थिंग मैट, अर्थिंग चादर चाहिए बेड में लगाने के लिए। तो मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि वो क्या, अगर हम नंगे पैर रह रहे हैं, इसलिए पूछा मैंने कि अभी ये किसी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, ये दीपक वधवा जी का, ये पूछते हैं कि कितने समय तक नंगे पैर रहना अच्छा रहता है, क्योंकि हम खेत में 8-9 घंटे नंगे पैर ही रहते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब एक तो आपकी भी वो जो अर्थिंग मैट और अर्थिंग ये बेडशीट, तो अर्थिंग ये इसकी जरूरत है, अगर हम दिन में कितने घंटे में रहना चाहिए, और क्या कोई लिमिट है कि 8-9 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते। क्योंकि एक चीज मैं इस पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं पहले सिडनी में रहता था, और वहां से जब मैं यहाँ पे ब्रिस्बेन में आया क्वींसलैंड, तो इसको एक तरह से बोला जाता है कि थोड़ा सा सिडनी एडवांस माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी डॉक्टर साहब कि यहाँ पे मोस्टली लोग, मोस्टली तो नहीं बोलना चाहिए, मैंने बहुत लोगों को देखा जो बाहर भी नंगे पैर घूमते हैं। स्टोर्स में जाइए, बड़े बड़े मॉल्स में जाइए, तो मैंने क्वींसलैंडर को देखा है कि नंगे पैर घूमते हैं। और फिर मेरे को ये स्ट्राइक हुआ कि क्वींसलैंड के लोग मैं देखता हूँ कि ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा हैप्पी रहते हैं, सिडनी के लोग ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं। तो इससे क्या है, इससे भी मेरे को लगता है कि लिंक अब समझ में आता है मुझे। तो दोनों फैट का बताइए डॉक्टर साहब, और प्लीज कि कितने देर हमें रहना चाहिए, कोई लिमिट है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? 100 बात का एक जवाब हमारे शुरुआत में ही मिल गया था। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया। माता के साथ ज्यादा देर तक रहेंगे तो कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? इट आंसर्स द क्वेश्चन। तो यस आप अगर माँ के पास आप हैं और जितना देर तक आप
आप उनसे चिपक के रहेंगे तो कैंगरू इफेक्ट होगा ही। कैंगरू इफेक्ट जिनको नहीं पता है वो जरूर ये वाला इसमें टाइप करके देखें। कैंगरू इफेक्ट ये होता है कि अगर बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वो इतना इतना खराब है। मिराकुलसली ये देखा गया कि माँ उसको जब चिपका लेती है अपने से, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो ये दोनों बातें आपको आंसर करती हैं जो आपका प्रश्न था कि कितने देर क्या जहां तक हो सके संभव वहां तक करें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और मैं माइक्रोबायम सीरीज कर रहा हूँ दोस्तों, जो डॉक्टर साहब ने बोला कि बच्चे को हग कर लेना है, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन उसमें अपना काम शुरू कर देता है। ऑक्सीटोसिन बहुत रिलीज होता है मदर में जब बच्चा पैदा होता है, और ऑक्सीटोसिन जब होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल नीचे, और आपकी बहुत सारी चीजें, आपकी बुढ़ापा कम होना शुरू होता है। बहुत ब्यूटीफुल चीज है, और उसपे मैंने कुछ चीज रिसर्च कर रहा हूँ, होपफुली मैं नेक्स्ट वीक इस पे बात करेंगे। सो दोस्तों अभी 120 के आसपास लोग आप लोग जुड़े हैं, प्लीज वो जो ये उंगली वाला एक्सरसाइज बोलता है ऐसे करके लाइक करने वाला बटन दबा दें, प्लीज शेयर कर दें। हम इतनी आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब अपना टाइम देते हैं इतना कीमती। सो डॉक्टर साहब एक आखिरी क्वेश्चन जरूर मैं इसमें पूछूंगा, ये इंपॉर्टेंट मेरे को क्वेश्चन लग रहा है, कि क्या ईएमएफ को मैग्नेटिक पावर से भी नलीफाई कर सकते हैं? ईएमएफ को मोड़ जरूर सकते हैं मैग्नेटिक पावर से। नलीफाई करना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो तो किसी फिजिसिस्ट से पूछना पड़ेगा या मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको डाइवर्ट जरूर किया जा सकता है मैग्नेटिक पावर से। और आ, 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 वो सभी चीज़ों को नलीफाई करने के लिए आप अगर अर्थिंग का समहाउ उसको ला पाए तो वो भी नलीफाई होने की स्थिति में रहेगा। दूसरा मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ इसमें, ऑल्दो इट इज़ वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक। आप देखें अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ साउथ होता है, इसीलिए बोलते हैं नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्यों क्या हो जाता है, कैसे उनको पता चलेगा कि हम नॉर्थ की तरफ। पहली बात तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट स्वास्तिक का चिन्ह के हिसाब से देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एग्जैक्टली क्या है। ट्रू नॉर्थ हमें आज तक पता ही नहीं चला, हमें आज तक नहीं पता चला। हमारे पूरे इस पृथ्वी पर जितने भी वासी हैं, जितने आर्किटेक्ट हैं, जितने ये हैं, हमें बता दें कि ट्रू नॉर्थ कहाँ, ये कहाँ है, नहीं पता है। तो जो ईस्ट है, ईस्ट और नॉर्थ और साउथ और वेस्ट शिफ्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू जे जो लोग ये मानते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, उनके लिए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शिफ्ट करता रहता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूजुअली स्टेबल होता है, वो ट्रू नॉर्थ से ट्रू साउथ के तरफ अलाइंड होता है। तो आप अगर नॉर्थ की तरफ सर करते हैं तो याद रखिए एक्सपेरिमेंट, वो एक कागज पे हम आयरन फाइलिंग्स ले लेते थे और नीचे से मैग्नेट घुमाते थे तो वो आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो जाते थे। तो आपके बॉडी में भी आयरन है, कहाँ है? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो आयरन से कैरी करती है। आयरन आपके आरबीसी में है, आरबीसीज अलाइंड हो जाएंगे टूवर्ड्स द हेड, एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड इन दी हेड हो जाएगा नॉर्थ के तरफ सोने से बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड देन यू विल बी मोर कंफ्यूज, यू विल सी मोर बैड ड्रीम्स बिकॉज देर इज एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड इन द ब्रेन बिकॉज ऑफ द नॉर्थ साउथ कनेक्ट। इसलिए नॉर्थ के तरफ सर नहीं करना चाहिए, यूजली इसीलिए बोला गया है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। वो उस पीढ़ी में मैं भी था जो मैं ये सब बातें कहता था कि सब क्या है, अब समझ में आता है कि जो सनातन में चीजें बताई हैं पूरा साइंटिफिक वे में है। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जनरेशन को लोग बताने वाले ऐसे नहीं थे जैसे डॉक्टर पांडे हैं। सो मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि डॉक्टर साहब आते हैं और बिल्कुल ना सिर्फ वैज्ञानिक बातें बताते हैं बल्कि उसका जो लिंक है वह हमारे सनातन धर्म से उसको कैसे है वो बताते हैं। तो दर्शकों आप लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब का नंबर, ये रहा डॉक्टर साहब का नंबर आपके स्क्रीन पे। सिकंदर टुटेजा जिनके मैनेजर हैं तो प्लीज उनसे कांटेक्ट किया करिए, प्लीज मुझे ना मैसेज ना मुझे फोन किया करिए। डॉक्टर साहब का ये देखिए नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। तो आप एक चीज और है डॉक्टर साहब, मैं ये
ये जिया दत्त जी कह रहे कि विंटर सीजन में ग्राउंडिंग से सर्दी लग सकती है, क्या करें? तो मैं एक चीज बोलूंगा कि जिम हॉफ है, बहुत फेमस है जिम हॉफ मेथड उनका, वो कोल्ड थेरेपी पे ही वो अपनी सारी जिंदगी उन्होंने अपना करियर बनाया हुआ, करियर तो नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। और आप देखेंगे कि हमारे जो ऋषि मुनि रहते थे, सुबह 4 बजे उठ के बोलते थे कि नदी के किनारे रहते थे। मैंने एक शो में पहले ही बताया था कि मैं देरवा बाबा के पास गया था बचपन में, मुझे याद है। तो वो नदी सरयू किनारे रहते थे और कहते थे लोग कि वो नदी में अलोप हो जाते थे। तो वो सुबह 4 बजे उठ के नहाते, और फ्रीजिंग कोल्ड में, फ्रीजिंग कोल्ड का हमारे बॉडी के ऊपर कितना ब्यूटीफुल असर है। डॉक्टर साहब से अगेन फिर से पर्सपेक्टिव हम डॉक्टर साहब का लेंगे, तो नंगे पैर नहीं चलना चाहिए डॉक्टर साहब सर्दियों में, क्योंकि कई लोग हैं, 3-4 लोगों के आए हैं कि नंगे पैर सर्दियों में कैसे चलेंगे, सर्दी लग जाएगी। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इम्यून सिस्टम को अपने बूस्ट करना है, उसको हॉट एंड कोल्ड थेरेपी कहते हैं। आपका ब्लड हॉट है, 37.5 डिग्रीज, कोई नॉर्मल, कोई मामूली टेम्परेचर नहीं होता है, हॉट बोलेंगे उसको। और अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोल्ड है, तो ये बहुत अच्छा आपके पास मौका है इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करने का। पांव जमीन पर रखिए, वो जो ठंड है, वो जो ठंड की जो फीलिंग है, दैट विल जनरेट एक्स्ट्रा पावर टू यू सो दैट योर इम्यून सिस्टम इज बूस्टेड। कई लोग इम्यून इम्यून थेरेपी, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हॉट एंड कोल्ड शावर भी लेते हैं। आप अगर जिम्स वगैरह में जाएंगे तो स्टीम बाथ के बाद नॉर्मली कोल्ड शावर करवाते हैं, आइस कोल्ड शावर। द आइडिया इज वॉट? The idea is to boost the immune system suddenly. और वो सडन ये झटके से, yes, above the age of 50, I would not recommend कि suddenly आप ये करें। हम मैं चाहूंगा कि आप धीरे धीरे ट्रांजिशन में जा सकते हैं, बट बिलो द एज ऑफ 50। और ये 50 का एज बड़ा अजीब है, आप अगर देखेंगे। आई जस्ट डाइग्रेस एंड से, नेचर आपको पैम्पर करती है 50 तक, क्योंकि नेचर को आपकी प्रोजेनी चाहिए। 50 के बाद आप नेचर के लिए यूजलेस हो। जब तक कोई पैशन परसू नहीं करोगे, नेचर से एक्सपेक्ट मत करो कि तुमको रखेगी वो। अगर आपका कोई पैशन है जो आप परसू कर रहे हो, उसके लिए जी मर रहे हो, तो नेचर भी सहयोग करेगी। ये मेरा एक ऐसे ही, मैं जस्ट वांटेड टू ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब, ब्यूटीफुल पीस ऑफ एडवाइस। एक रेलेवेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि योगा करते टाइम मैट से अर्थ कनेक्ट को काटा जाता है और अवॉइड किया जाता है, क्या इसके पीछे का साइंस क्या है? व्हाई कांट वी डू डायरेक्ट योगा डायरेक्टली ऑन अर्थ? योगा नहीं, योग बोलना चाहिए। यू शुड डू योग सिटिंग ऑन अर्थ, यू शुड नॉट डू इट ऑन अ मैट। आज के दौर में हमारे प्रेशर पॉइंट्स इतने खराब हो गए हैं कि थोड़े से में हमें पेन हो जाता है, इसीलिए हमें मैट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रेशर पॉइंट्स बिल्कुल ही बिल्कुल उनका थ्रेशोल्ड बहुत कम है। जो योगी हैं वो बर्फ के ऊपर योग करते हैं, जो योगी हैं वो जमीन के ऊपर योग करते हैं, पहाड़ों पे बिल्कुल करते हैं, पेड़ के ऊपर बैठ के करते हैं। कई चीजें, कई तरीके हैं। आप कभी हिमालय जाएंगे, हिमालय अपने आप में बहुत सरप्राइजेस लेके रखा हुआ है, आपको सरप्राइज कर देगा वो। वहां पर जब आप योगियों से मिलेंगे, आप देखेंगे कहाँ मैट और कहाँ ये। वो सिर्फ एक लकड़ी का स्टाफ रखते हैं, इतना सोटा कहते हैं उसको, वो रखते हैं, और रस्सी रखते हैं। वो रस्सी इसलिए है कि वो स्ट्रिंग थेरेपी करते हैं। आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट इट। हम लोग यहाँ पर थर्ड आई में, हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो सभी फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन हम इंटीग्रेट करते हैं, सभी फॉर्म्स ऑफ हीलिंग। यहाँ पर हम स्ट्रिंग थेरेपी भी करते हैं। स्ट्रिंग थेरेपी में हम एक सूत सा लपेटते हैं टो से लेके यहाँ तक, और फिर उसको खोलते हैं, तो वो सर्कुलेशन को ऐसे कर देता है कि वो जहाँ जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है वहाँ वहाँ पे पहुँच जाती है। तो कई चीज़ों का बहुत फायदा होता है, स्पेशली वैरिकोज वेन्स वाले पेशेंट्स को। ये बोन इन डिस्गाइज है उनके लिए, उनका बहुत जल्दी वैरिकोज वेन्स ठीक होता है। सो वेरिकोज वेन। हर्ष तनेजा जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने एक और आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताई है, ट्राई करिए और बताइए, क्योंकि लोग जो ट्राई कर रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब क्या ब्यूटीफुल ये मैसेज, ये मैसेजेस पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। और जो आपने बोला कि पैशन, मेरे का मजा आता है इस करके।
अतुल अवस्थी जी कह रहे हैं कि बहुत आभार, मेरे मित्र के 6 साल के बेटे को माइल्ड ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी, आपके बताए अनुसार पूरी तरह से डाइट में बदलाव किया, 35-40 दिन में ही वो बात करने लगा है, बस वो एंट हिल की मिट्टी अभी नहीं मिली है। एंट हिल की मिट्टी हम उनको भेजेंगे, अगर वो हमें कांटेक्ट करेंगे हम उनको भेजेंगे, क्योंकि हम हिमालय से लेके आते हैं उसको, और वो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव। जी, सो आई होप दर्शकों आपको ये पूरा हमने कोशिश किया कि अर्थिंग थेरेपी पे आपका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिले, पूरा इसको हर टॉपिक हर एंगल से कवर करने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को कुछ सवाल होगा तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में या इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट डालिए, क्योंकि मैं हर कमेंट एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और आपको हर एक कमेंट का जवाब मैं देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर डॉक्टर साहब। अलका गोयल जी कह रही है कि मेरे फादर 74 साल की हैं, उनको नाइट में 5-6 बारी टॉयलेट आता है और यूरिन में फ्रॉथ झाग है भी आता है, ऐसा क्यों है? वो या तो कोई डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, या प्रोस्टेट बढ़ गया है, या कॉम्बिनेशन ऑफ के ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और एज एज रिलेटेड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसको, जहाँ पर थोड़ा सा एल्ब्यूमिन लीक होने लगता है। एल्ब्यूमिन जब भी आएगा फ्रॉथी, अब वो आएगा, उसको पहले बोलते थे माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, अब उसको मॉडरेट एल्बुमिन यूरिया कहते हैं। तो एल्बुमिन जब भी आएगा, फ्रॉथ भी आएगा, और भी कई कारण ये हो सकते हैं, ये तो हम पॉसिबिलिटीज गिना रहे हैं, लेकिन इनको पर्टिकुलरली देख के ही पता चलेगा इनकी क्या स्थिति है, पूरा इतिहास लेके ही पता चलेगा। इतिहास मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री लेना पड़ता है पेशेंट का, कि कब से ये मतलब शुरू हुआ, कब से क्या रहा, कैसे चला, जिंदगी कैसे चली। जी जी डॉक्टर साहब, ये सवाल मेरे को लगता है ये पहले भी पूछा उन्होंने, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछली बार 1-2 महीने पहले हमने लिया था इनका सवाल, ये हाथी पांव के बारे में पूछे डॉक्टर साहब कि क्या वो सही हो सकता है, कैसे हो सकता है? हाँ, फ्लैट फुट होगा वो, ये जो हाथी पांव ये बोलना चाहते हैं, या फाइलेरियासिस होगा, एलिफेंटाइसिस जिसको कहते हैं, एलिफेंट फुट। हाँ, तो वो लिम्फैटिक का प्रॉब्लम, देखना पड़ेगा इसको। इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूँगा स्ट्रिंग थेरेपी। मैं बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे वो डालने वाला हूँ, क्योंकि 5-5 मिनट का मैं वीडियो सोचता हूँ ना, कि पेशेंट्स अगर एक बार, अब वो देखेंगे, कई लोगों के छोटे छोटे क्वेरीज होते हैं, वो अपने आप उनके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, वो कर लेंगे। एलिफेंटाइसिस में मैं बहुत हाईली रेकमेंड करूँगा स्ट्रिंग थेरेपी। आप एक जो ये पजामे का नाड़ा होता है उसको स्ट्रिंग मान लें, और उसको ठीक से आप लपेटें, वो बहुत अच्छे मटेरियल का बना भी होता है, वो स्किन फ्रेंडली होता है, तो वो आप उसको बांधते हुए ऊपर तक लेके आए और फिर उसको खोल लें, वाइंड भी कर लें, अनवाइंड भी कर लें, तो आप देखेंगे अगर आप ये 2 बार दिन में कर लेते हैं और 20-25 दिन तक करते हैं, बहुत फर्क पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि आप पहले वो ट्राई कर लें, अगर नहीं होता है तो हम आपकी सेवा में हैं। जी जी डॉक्टर साहब, जगदीश गंभीर जी पूछ रहे हैं कि हर्निया डाइट या माइक्रोब से ठीक हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं उम्र है मेरी 72 साल, प्लीज बताइए। नहीं नहीं उससे ठीक नहीं होगा। यस, ये सहयोग जरूर करेंगे उसको ठीक होने में। उसके लिए कोई भी हर्निया हो, ज़्यादातर अगर मेल है तो इंग्वाइनल हर्निया की बात कर रहे होंगे, इंसिशनल हर्निया भी होता है, कई तरह के हर्निया। हर्निया का मतलब है एक बॉडी का पार्ट कोई एक पैसेज को लेके दूसरी जगह चला गया हो, उसको हर्निया कहते हैं। और एक बॉडी का पार्ट एक जगह से दूसरी जगह तब जाएगा जब पीछे से कोई पुश करेगा, और पीछे से पुश ओबेसिटी से आता है। तो हर्निया का मूल कारण ओबेसिटी, हर्निया का निवारण में सबसे पहले ओबेसिटी कम करिए, क्योंकि वो क्रोनिक इंसल्ट है। हाँ, इसीलिए सर्जन्स को, जो सर्जन सुन रहे हैं,
वो हर्निया रिपेयर के नए नए तरीके निकालते हैं, लेकिन फिर हर्निएट कर जाता है, वो फिर से रिकरेंस हो जाता है, क्योंकि मूल बात ओबेसिटी पे हम काम नहीं कर रहे हैं। ओबेसिटी कम करिए, हर्निया का सिंपल भी सर्जरी कर दीजिए, रिकर नहीं करेगा, ओबेसिटी चली जाएगी। जी जी डॉक्टर साहब, रवि भोसले साहब का सवाल है कि इनको रिसेंटली माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था, तो इज जीवीटी मैट इज यूजफुल टू मी? वेल, हैव टू सी व्हाट योर लाइफस्टाइल हैज बीन, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो लाइफस्टाइल रहा है, जो मैं देखता हूँ कि पैर में गंदगी लग जाएगी, इसलिए चप्पल पहन लो। और ज़्यादातर लोग साउथ इंडियंस को छोड़ के, मैं साउथ इंडियंस की इसलिए बहुत बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो लोग वैदिक परंपरा आज भी जीते हैं। नॉर्थ इंडियंस थोड़ा सा अपने आप को ब्रिटिश या अमेरिकन प्रूव करने के चक्कर में फंस गए, तो वो और उसको बोलते हैं ना इधर के रहे, ना वहाँ के रहे, ना यहाँ के रहे। मैं बाकी वो पूरा मुहावरा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ये है कि हमें वापस वैदिक फिलॉसफी पे आना पड़ेगा। वैदिक फिलॉसफी जब आप ये करेंगे, ये सभी चीज़ें विल बी टेकन केयर ऑफ। छोटे छोटे बड़े मात्रा में जहाँ तक हो ट्राई करें। दूसरा, इनका जो ये प्रश्न था कि कितने देर, क्या था प्रश्न, कितने देर रखना है? नहीं डॉक्टर साहब, बस पूछ रहे थे कि 0 वोल्ट थेरेपी वाला मैट मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं, माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था। हाँ, हार्ट अटैक जो हुआ था, यस। तो वो डेफिनेटली आप पाँव जमीन पे रखें ना, आप पाँव जमीन पे रखना शुरू करें, वो इक्वली इफेक्टिव होगा। फिर भी आप अगर जीरो मैट थेरेपी लेना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है। ऊष कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत कहते हैं कि वी डोंट हैव आयरन ऑन आवर ब्लड। अभी आपने हीमोग्लोबिन की बात जो की थी कि हमारे उसमें ब्लड में आयरन होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, तो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव आयरन ऑन आवर ब्लड, दिस इज आयरन कंपाउंड, सो डज मैग्नेट पुल आयरन कंपाउंड? जो लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे कैरी होता है, इफ दे गो इन टू द केमिस्ट्री ऑफ इट, वो देखेंगे कि फेरिटिन, ये फेरस जो है, वो ऐसे करके एक्सपोज हो जाता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करता है बीच में, तो वो बहुत लूजली बॉन्ड होता है। ये कोई एलॉय जो हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं वैसा कोई एलॉय नहीं होता है। तो ये वो जो क्या बोलते हैं उसको, आयनिक फॉर्म में रहता है, तो वो ऑलमोस्ट आयरन की तरह ही बिहेव करता है। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है। अनीता लखवानी जी पूछ रही हैं कि मेरे शरीर में एसिडिटी बहुत बनती है जिस कारण मुझे सर्वाइकल दर्द बहुत होता है, क्या DIP डाइट के साथ में अर्थ थेरेपी ले सकती हूँ? एक बार रिपीट करिए, एसिडिटी बहुत बनती है। एसिडिटी बहुत बनती है, उसके कारण सर्वाइकल दर्द बहुत ज्यादा है, तो डिप डाइट के साथ अर्थ थेरेपी ले सकती हूँ क्या? नहीं, इससे बहुत फायदा नहीं होगा इनको, इन ये बात नहीं समझ रही हैं। एसिडिटी इज द बेसिस ऑफ ऑल इलनेसेस एंड एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जो फूड्स एसिडिटी बढ़ाते हैं, नो फूड नो एसिडिटी, याद रखिएगा। कई लोगों को लगता है खाना नहीं खाएंगे तो एसिड बढ़ जाएगा। आप कभी खाना नहीं खा के तो देखिए, आप बहाने के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। ये बहाने हैं आपके कि खाना नहीं खाएंगे तो एसिड बढ़ जाएगा। आप कभी फास्टिंग करके तो देखिए, आप देखिए अल्कलिनिटी कैसे आती है। तो जब भी आप ये नॉर्मली, मेरे फ्रेंड का डाइट है ये डिप डाइट, ये आ, 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 हर 2 घंटे पे आपके खाने में एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा ही। आपको 8 घंटे का गैप देना चाहिए। आप देखिए, आपका पेन भी जाएगा, ये भी जाएगा, और पांव जमीन पे रखना शुरू करिए, बहुत सिंपली ठीक होगा ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर एसिडिटी बढ़ता रहा तो धीरे धीरे बीमारियां भी बढ़ती रहेंगी, कोई भी डाइट लें आप। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर साहब, आलिफ एंटरप्राइज नाम है इनका और यूट्यूब। ये कह रहे हैं कि सर, मुझे 2 साल रेटिनल
हेमरेज है, इसका इलाज बताइए, थैंक यू। 2 साल हो गया है। दिस इज बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ऑटो आर्थराइटिस भी, ये हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस हो सकता है जिसके चलते हैमरेज है। और अगर हैमरेज है तो उसको बहुत, वैस्कुलाइटिस भी हो सकता है, उसको बहुत सिंपली ठीक होता है। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप एक दिन फास्टिंग पे चले जाएं और रॉ फूड डाइट पे 2 दिन तक और चले जाएं, आप देखिए वैस्कुलाइटिस कैसे जाता है, हेमरेज भी नहीं चला जाएगा। ये वंडर फास्टिंग पैनेशिया है ये। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। अगला सवाल है रितु देसवाल जी का। ये पूछ रही हैं कि मेरे हस्बैंड की उम्र है 42 साल और उनको डेली शाम को लेग पेन होता है जो सारी रात रहता है, जो कि हिप से होता हुआ पूरे लेग में जाता है नीचे की तरफ। हाँ, ये विटामिन डी की भी कमी हो सकती है, कोई नर्व कंप्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ओबेसिटी मूल मूल कारण हो सकता है इसका। ज़्यादातर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो मैंने अभी बात की, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये जो पेन है, जो पेन पार्ट है, वो तो बहुत सिंपली जाता है। जैसे आप, जैसे ही आप थोड़ी देर का पानी वानी ज़्यादा पिए और लंबा सांस लें और कोई और बातें सोचने लगे, तो पेन तो चला जाएगा इमिडिएटली, पेन किलर के बिना पेन जाएगा। पेन किलर से पेन जाता है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है, प्लेसिबो इफेक्ट से जरूर जाता होगा, मैं ये मानता हूँ, लेकिन किडनी डैमेज के लिए तैयार रहें। तो इसलिए अगर और कोई तरीका है पेन 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 हटाने का, और उससे क्विक तरीके हैं, तो वो ज़रूर अपनाएं। दूसरा ये है कि ये आई थिंक दैट्स इट, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज एंड वी हैव आंसर्ड इट। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है डॉक्टर साहब, एक सेकंड। ये शेख शयान जी का, ये पूछ रहे हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर को कैसे ठीक करें और बॉडी से हैवी मेटल डिटॉक्स कैसे करें। हैवी मेटल डिटॉक्स, फैट निकालना पड़ेगा बॉडी का और फैट को मेटाबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हैवी मेटल्स ज़्यादातर फैट में डिपॉजिट होते हैं। इसलिए जो मर्क्यूरी फिलिंग्स हैं ब्रेन में डिपॉजिट होते हैं। ये बहुत प्रॉक्सिमिटी देखिए कितना नज़दीक है, तो ये पॉइजनस सब्सटेंस ब्रेन के फैट में डिपॉजिट होते हैं, बिकॉज ब्रेन इज 70% फैट, 70% कोलेस्ट्रॉल है, वहीं पे डिपॉजिट होते हैं। तो आपको फैट अपना काटना पड़ेगा, फैट हटाना पड़ेगा, एंड इट इज़ अ गुड आइडिया टू एक्चुअली डू दैट। बहुत सिंपली होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मनोज पंचाल जी पूछ रहे हैं कि मेरे चेहरे पे झुर्रियां हो गई हैं और मेरी उम्र सिर्फ 42 साल है, तो इसको स्किन टाइट कैसे करें, उसका क्या उपाय है। ये स्किन टाइट करने का मैं 2-3 तरीके जानता हूँ, जिसमें से पहला है फास्टिंग, दूसरा है मड मिट्टी का यूज़, मिट्टी वो करना, और तीसरा है 8 घंटे की फास्टिंग से नहीं चलेगा ये 8 घंटे की फास्टिंग से नहीं चलेगा। अगर किसी को एक्सपेरिमेंट ही करना है, जो लेडीज़ और ये लड़कियां सुन रही हैं मुझे, अगर एक्चुअली कोई दाग है, कोई ये है जो आप इमीडिएटली बहुत ट्राई किया नहीं जा रहा है, मैं एक तरीका बताता हूँ। 48 आवर्स, 48 नहीं, 36 प्लस 24, दैट कम्स टू 60 60 आवर्स का फास्ट पे चले जाएं, जिसमें सिर्फ हल्दी पानी पिए और नॉर्मल पानी पिए और नींबू पानी पिए। 60 आवर्स ऐसे होता है, जैसे आज हमने सोच लिया कि अब आज संडे है तो मंडे ट्यूसडे फास्ट पे आएंगे, वेडनेसडे को ही सूर्योदय के बाद कुछ खाना है, आज सूर्यास्त के बाद और वेडनेसडे के सूर्योदय के पहले सिर्फ पानी, और आप देखेंगे ये 3 दिनों में आपकी शक्ल कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। जरूरत पड़े तो हर 2 घंटे पे एक सेल्फी लीजिए ना,
पहले तो कैमरा ढूंढा जाता था, फोटोग्राफर को बुलाना पड़ता था, अब तो आपके हाथ में है, करके देख ले। जी डॉक्टर साहब, श्याम सुंदर आहूजा जी का सवाल है डॉक्टर साहब कि माय सन इज सफरिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन डिजीज, इज देयर एनी ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर इट? यस, इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज एंड वी कैन हेल्प हिम। जी, अगला सवाल है डॉक्टर साहब अंकुश लांबा जी का। शीत पित्त इचिंग की प्रॉब्लम है, आफ्टर बाथ बहुत एग्रेसिव इचिंग होती है, बहुत सालों से परेशान। ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन की तरह ही ट्रीट होगा, बहुत सिंपल है ये, बहुत डिफिकल्ट जी डॉक्टर साहब, है। हमारा और जो ऑटो इम्यून वाला है वो आप एक बार ना अपने प्लेलिस्ट में थर्ड या फोर्थ ही रखिए, ताकि लोग उसको देख पाएँ और वो देख के ठीक हो पाएँ। हम जी नहीं चाहेंगे कि वो, आप देखिए ना, हम कितने लोगों को देख लेंगे या कितने लोगों को हम दाखिल कर लेंगे, मैक्सिमम जनता कैसे ठीक होगी? हमारा जो मोटो है कैसे ठीक होगी? वीडियोस देख के ही ठीक होगी, वो वीडियो देख लें और ठीक हो जाएं घर पे बैठे। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश तो ये है कि होलिस्टिक वे में लाइफ जिए और बिल्कुल डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। दैट वाज द रीजन मैं इस चैनल का स्टार्ट करने का मेरा पर्पस यही था, और उसी में लोग जुड़ते जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को ये बातें भी समझ में आ रही हैं जो अपने पिछले हफ्ते बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से आपने समझाया डॉक्टर साहब, कि प्रकृति के पास जाते हैं तो ठीक है, उसके विपरीत जाते हैं तो प्रलय है। बहुत ही ब्यूटीफुल था। और उसी में देखिए मनीष गन्होत्रा जी, मनीषा गन्होत्रा जी लिख रही हैं कि मेरी बेटी हमारे गार्डन के सारे पेड़ को हग करती है और बहुत खुश होती है, और इसी बहाने वो आसपास की मिट्टी के संपर्क में भी आती है और सभी को ऐसा करने को प्रेरित करती है। सर, क्या ये फायदेमंद है? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, एक एक बहुगुणा जी थे ना डॉक्टर साहब, वो चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा, तो मुझे लगता है कि उनसे प्रेरित होगी इनकी बेटी। जी डॉक्टर साहब प्लीज बताइए। बिल्कुल। आप देखिए, ये अगर आप पुनर्जन्म में, मैं तो वैसे कभी हमें ये एपिसोड करना भी चाहिए, 84 लाख योनियों से कैसे होते हुए गुजरते हैं, आत्मा कैसे विभक्त होती है शरीर से जब डेथ होता है, तो ये आत्मा वापस आके घास भी बन सकती है, पेड़ पौधे भी बन सकती है, कोई जानवर भी बन सकती है, और वो वापस ह्यूमन में भी आ सकती है। 84 लाख योनियां जिस समय ये लिखी गई होगी वेद, क्योंकि नियो स्पीशीज बनते रहते हैं, कुछ स्पीशीज विलुप्त होते रहते हैं, उस समय जरूर 84 लाख स्पीशीज ही रहे होंगे वेदों के टाइम में, मैं ऐसा मानता हूँ। 84 लाख स्पीशीज का गणना कर देना, आप देखिए ना, लोग बोलते हैं कि हम अनसाइंटिफिक थे, मैं तो ये बोलता हूँ दुनिया को 84 लाख स्पीशीज का फंडा दे देना, तारों की गणना कर देना, नक्षत्रों को संज्ञा देना, सागर पे सेतु बनाना, अगर ये कल्पना भी है, वैसे तो आपकी मंद बुद्धि है कि आप ये कल्पना समझते हैं, क्योंकि आप डीप नहीं हैं, सुपरफिशियली देख रहे हैं आप। अगर ये कल्पना भी है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसी कल्पना भी क्यों नहीं की? बिल्कुल उसके लिए बहुत विराट स्वरूप चाहिए, बहुत विराट नॉलेज का वो भंडार चाहिए। जी जी, ये कमेंट है कि क्वेश्चन है, देखते हैं डॉक्टर साहब। बीके जी कह रहे हैं कि कह रहे हैं कह रहे हैं क्या था? फ्रीक्वेंटली टॉयलेट का जवाब, शायद मेरा एक्सपीरियंस काम आ जाए। जो मैंने आपके चैनल देखकर डाइट शुरू किया, खाली पेट, फर्मेंटेड राइस वाटर, स्प्राउटेड मेथी दाना एंड मूंगफली, तो इनका एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब कि इनका फ्रीक्वेंटली बाथरूम जाने का जो है ना टॉयलेट का, उसे इससे ठीक हो गया, फर्मेंटेड राइस वाटर, स्प्राउटेड मेथी दाना और मूंगफली से। गुड, वेरी नाइस, ये आई शेयर एम करना हैप्पी विद चाहता दैट। हूँ। या संघमित्रा अगस्ती जी का क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि मेरे हस्बैंड का के चेस्ट और शोल्डर में पेन रहता है और ही इज नॉन वेजिटेरियन, क्या हार्ट अटैक चेकअप कराना चाहिए या डाइट चेंज करके प्रिवेंशन कर सकते हैं? नहीं, ये तो बड़े आराम से प्रिवेंट होगा। इनफैक्ट आप जो लोग साइंटिफिक हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो
एनिमल प्रोटीन्स हैं और एनिमल के तरफ से जो प्रोटीन्स आए हैं वो ना लें। आप देखिए बॉडी को क्या फ़ायदा होता है, जो जो साइंटिफिक प्लस आध्यात्मिक हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस खाने में किसी की आह लगी हो वो ना खाएं, वो ना खाएं, बीमारियां नहीं होगी। और वो छोड़ देंगे तो बीमारियां अगर हुई भी हैं तो ठीक हो जाएंगी, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, प्रकृति माफ कर देती है। तो ये द लेटर स्टेटमेंट वॉज पीपल जो साइंटिफिक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं, द फॉर्मर वॉज फॉर ओनली साइंटिफिक पीपल जो इसमें जो एथीस्ट हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल महेश पीसे जी का है। पूछते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो सकता है क्या? हमने कभी ट्राई नहीं किया, और वो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, लेट मी वर्क ऑन इट। हमने हमारे पास कोई पेशेंट आया भी नहीं, हमने कभी ट्राई नहीं किया, बट इट कैन बी वर्कड ऑन। एंड कलर ब्लाइंडनेस इज जस्ट, ये मैं आपको बताऊं, आप कैसे देखते हैं अल्टीमेटली, इफ यू कम टू द मॉलिकुलर और द सब एटॉमिक लेवल ऑफ हाउ यू परसीव कलर और हाउ यू परसीव सेंसेशन, एनी सेंसेशन फॉर दैट मैटर, स्किन का भी सेंसेशन, सुनने की भी प्रक्रिया, देखने की भी प्रक्रिया, टेस्ट की भी प्रक्रिया और ये स्मेल की प्रक्रिया, ये तीनों में, ये पांचों में कॉमन मिनिमम पाथवे है। इट इज बिकॉज ऑफ सब सब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हियर एंड देयर। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, अगर यही बेसिक है जो मैं बात कर रहा हूँ, इट कैन बी सीन एंड वर्कड अपॉन, तो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बट लेट मी वर्क ऑन द अब वर्क ऑन दिस, और कोई पेशेंट भी आना चाहिए ताकि हम उसको देख सकें कि हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है सीके होरा ये पूछ रहे हैं कि 34 साल की उम्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्योर हो सकती है क्या? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, वर्क लाइक अ लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज, और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन ऑल प्रोबेबिलिटी ऑटो इम्यून कंडीशन है। एंड दिस ऑटो इम्यून कंडीशन, अगेन अगर आप ट्राई भी करना चाहते हैं तो हमारा जो एपिसोड है ऑटो इम्यून का, जिसमें हमने पूरा आपको दिया हुआ कि करना क्या है, आप करिए और माइक्रोबायोम रिस्टोर करने का ट्राई करिए। वैसे 80% ऑटो विल रिपीट, 80% ऑटो इम्यून डिजीजेस योर डाइट इज रिस्पॉन्सिबल, बाकी 20% अदर थिंग्स विच टेक इनपुट इन द बॉडी, आंखें, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल, और ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम इमोशन, क्योंकि यही पांच चीजें हैं जो एक्सट्रीम इमोशन पैदा कर सकती हैं। एक्सट्रीम इमोशंस आर नोन टू कॉज लीकी गट, एक्सट्रीम इमोशंस आर नोन टू कॉज द ऑटो इम्यून डिजीज। तो इट इज, कई बार जब फूड से ठीक नहीं हो रहा है तो हमें और डीपर जाके देखना पड़ता है कि और क्या रीजन है और क्या रीजन से। इसीलिए मैंने बोला कि कोई पेशेंट आता है तो हमें सबसे पहले दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक तीनों एंगल देखना पड़ता है पेशेंट का। ब्यूटीफुल जी जी, ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब। तभी मुझे ये आपके साथ शो करके मजा था डॉक्टर साहब, कि आप एक तो होलिस्टिक वे में ठीक कर ही रहे हैं और ऊपर से आप देहिक देविक पे जो आप टच करते हैं, और उसका मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो ट्रॉमा से पीड़ित हैं, उनके पेंट अप इमोशंस हैं, एंगर है, बहुत कुछ चीजें हैं जो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब ने बोला भी है कि फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज है। प्लीज दोस्तों, ये सब चीजें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सब कुछ हमारा बॉडी बहुत सूक्ष्म तरीके से, ना सिर्फ हमारे बॉडी पार्ट एक चीज जुड़े हुए हैं, बल्कि हम पूरे इस यूनिवर्स से, जो डॉक्टर साहब ने बोला अभी, इस पर हम करेंगे डॉक्टर साहब एक शो, जो 84 करोड़ वाली बात आपने की थी, कि हमारा सब कुछ पूरे एक एक चीज से, हमारा हमारा जो जो आत्मा है, जो हमारे जो कॉन्शियसनेस है, जुड़ा हुआ है। और मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि इवन जो नॉन लिविंग बींग में भी अब साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि उसमें भी कॉन्शियसनेस है एट अ लोवेस्ट लेवल, और हमारा जो है हाईएस्ट लेवल पे है। तो कॉन्शियसनेस में जो मैं मानता हूँ, जो चित्त है, वो भगवान का ही एक पार्ट है, तो उसको हम
कैसे भूल सकते हैं? तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। और अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर दर्शकों प्लीज 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 जाके देखिए एपिसोड, और जो लीकी गट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए, जो मेरा अगेन जो मेरा मेन मकसद माइक्रोबायोम का ही इसीलिए स्टार्ट किया था, उस पर मैं कुछ नया रिसर्च आजकल एक कर रहा हूँ, और एक एक शायद एक बहुत ब्यूटीफुल नया एक स्ट्रेन बैक्टीरिया का आ रहा है जो बहुत ही जबरदस्त ढंग से चीजों को रिपेयर कर रहा है, और अभी बिल्कुल नया है, और होपफुली आई विल बी एबल टू शेयर दैट विद यू नो इन यू नो नियर फ्यूचर। सो आप लोग प्लीज मेरा वो माइक्रोबायोम वाला एपिसोड देखते रहिएगा आप लोग। सो डॉक्टर साहब, एक जैसे आपने कई बार ये बात की है कि हमारा जो अपेंडिक्स है सीट ऑफ माइक्रोबायोम है, और हमारे जी, बॉडी में कोई भी पार्ट जो एड्रेस है, है उनका, एड्रेस जी कोई भी पार्ट हमारे हेड बॉडी ऑफिस में है। नेचर ने कुछ खराब नहीं दिया हुआ, जो जो कि डॉक्टरों ने हमारे इसको निकाल देते थे कि इसी को जरूरत ही नहीं है। और तो अब क्या है डॉक्टर साहब कि हमने इसे बात तो की है कि इसको कोशिश करें कि ना निकले, लेकिन जिसका अपेंडिक्स बर्स्ट करने वाला, आपने बताया था कि उसका एक तो अपेंडिक्स जिसका बर्स्ट होने वाला क्रिटिकल इमरजेंसी में, उसका प्लस जिसका रिमूव हो गया, तो अब उसको क्या कोई प्रिकॉशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप देखिए ना, ये एक्चुअली जो एक्यूट इमरजेंसी है, जब बर्स्ट कर चुका है फिर तो आपके पास कोई चारा नहीं। लेकिन अगर बहुत पेनफुल है और बर्स्ट अभी नहीं किया है, करने वाला है, उसके कई और तरीके भी हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा केस है, हम उसको देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं। और जो आपका प्रश्न था एग्जैक्टली कि इसका निकालने के बाद फिर क्या किया जाए, क्या प्रश्न था, प्रश्न ये पूछ रहे हैं अमित जी क्या था? कि मेरा निकल चुका जिसका, वो प्रिकॉशन क्या निकल आप चुका उसको है, क्या? वही जी वही वही, उसको बहुत ज़्यादा इस बात से वो करना पड़ेगा कि इनको विटामिन B12 की कमी ज़्यादा ना हो। उसके लिए पूरा का पूरा विटामिन B12 का एक प्रोटोकॉल है। इनफैक्ट हमें वो प्रोटोकॉल ना, हमें अपने मैं अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा, मैं अपने वेबसाइट पे ही डाल दूंगा और आपको भी शेयर कर दूंगा, आप भी वेबसाइट पे डाल दीजिएगा, ताकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किसी को भी ना हो। और मेरा थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ल्ड से इससे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि कई लोग जो B12 का कुछ बेचना चाहते हैं उन्होंने वो लिमिट बढ़ा दी है। तो वो लिमिट जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है उतना चाहिए नहीं, नॉर्मल लेवल उससे बहुत कम होना चाहिए जो है। और ज़्यादातर लोग, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टू द लेवल्स दैट एग्जिस्ट, 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज B12 डेफिशियंट। नाउ 75% ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग B12 डेफिशियंट, फिर आप इतना ज़्यादा परसेंटेज लेके ना, आप शायद वो अपनी ही बात को झुठला रहे हो कि फिर ये सृष्टि चल कैसे रही है। इसलिए शायद वो जो लेवल है उतना लेवल तो नहीं, लेकिन बहुत से लेवल आप रिस्टोर कर सकते हो। इसमें एक वंडर फूड है ब्रोकली, वंडर फूड है। अगर ब्रोकली स्प्राउट्स आपको मिल पाए, इससे अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन बहुत कम लोगों को मिल पाएगी। हमारे थर्ड आई में ब्रोकली स्प्राउट्स अवेलेबल हैं वैसे, बाय द वे। ब्यूटीफुल, तो ब्रोकली का किसी भी फॉर्म में आप अगर खाएं, एक्सेप्ट जब कुक करके और आप वो करके जब खाते हैं तब तो नहीं, अदरवाइज रॉ फॉर्म में, सेमी रॉ फॉर्म में भी, क्योंकि रॉ फॉर्म कई लोग सैलेड में नहीं खा पाते, उनके दांतों में फंस जाता है, उनका कंप्लेन आता है। कई बार वो गैप्स भी कम करने चाहिए। वो गैप्स कम करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ब्रोकली इज अ वंडर फूड हियर, ब्यूटीफुल, और यस वो बहुत वंडरसली आपके ये B12 के लेवल को कम नहीं होने देगी। जी 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 डॉक्टर साहब, ब्यूटीफुल। और ये B12 की बात, दोस्तों जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जो फेसबुक ग्रुप में हैं, जो चैनल पे लगातार जुड़े हुए लोग हैं, B12 का देखिए मैं माइक्रोबायम वाले सीरीज में हमेशा ऑलमोस्ट कवर होता है, फर्मेंटेड फूड में होता है, और फर्मेंटेड ग्रेन्स में से वो ग्रेन में जरूर वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी बड़ी होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि खाना जो हम खाएं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, लोकल देसी सीजन में ऑर्गेनिक नेचुरल वो खाएं, लेकिन मैंने हमेशा एक बोला कि एक एक्सेप्शन में रखता हूँ ब्रोकली। डॉक्टर साहब ने आज जो बात का पूरा समर्थन किया, तो जो ब्रोकली है दोस्तों, जो ब्रोकली स्प्राउट है, जैसे टर्मरिक में करक्यूमिन होता है, वैसे ही ब्रोकली में एक सल्फरोफेन होता है कंपाउंड, वो जो कैंसर, जो ब्रोकली भी है बहुत
पोटेंट होता है कैंसर फाइटिंग एबिलिटीज में सल्फरोफेन की वजह से, लेकिन जो ब्रोकली स्प्राउट होता है उसमें से 100 गुना ज्यादा होता है। इसलिए मैं एक फूड को बोलता हूँ एक्सेप्शन, ब्रोकली, ब्रोकली स्प्राउट्स। तो प्लीज आप पता करिए कहीं से मिल जाए घर में उगाई, और मैं एक शो करने वाला हूँ जरूर शशि ऊर्जा जी के साथ, क्योंकि माइक्रोग्रीन मेरे ख्याल से फर्मेंटेड फूड के बाद आई एम प्रिटी यू नो वेरी वेरी क्या बोलूँ मैं उसके लिए, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मैं उसका फैन हूँ। सो डॉक्टर साहब, आप जो बातें बताते हैं लोगों को फायदा हो रहा है, और इसीलिए मैं शोज हमेशा आपके साथ ये करके मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली मुझे आनंद आता है। कमलजीत कौर जी आई हैं, कह रही हैं हेलो अजीत जी और प्रणाम गुरु जी, आज मैं सिर्फ थैंक्स ही करना चाहती हूँ, आप दोनों की वजह से मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। सो जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे वही जो आपने बोला पैशन, मजा आता है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपका जो योगदान है मानवता याद रखेगी कि आज के जमाने में जब डॉक्टर्स अभी भी अपने प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे हैं, जो प्रूवन हो चुका कि डजंट वर्क एक्सेप्ट फॉर द इमरजेंसी केसेस, आई विल से इमरजेंसी केसेस में अगेन डॉक्टर साहब ने भी बात की थी दोस्तों अपेंडिक्स की, कि इमरजेंसी है अगर बस नहीं हुआ तो देख सकते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट है कोई भी इमरजेंसी केसेस हो प्लीज इमरजेंसी को इमरजेंसी की तरह से डील करें, उसको डिले ना करें और उसको फटाफट उस पर एक्शन लें। जो उसमें एलोपैथी जैसा कोई चीज मैं मानता पर्सनली नहीं मानता हूँ, लेकिन इस चैनल पे वैसे भी मैं कभी भी किसी तरह का मेडिकल एडवाइस मैं नहीं मानता हूँ आप लोगों के लिए, बस ये नॉलेज डॉक्टर साहब अपनी नॉलेज बांट रहे हैं। आपको सलाह लेनी तो प्लीज डॉक्टर साहब का नंबर मैंने दिया, हमेशा देता हूँ, जो भी मेरे गेस्ट आते हैं सबका नंबर शेयर करता हूँ, प्लीज आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से बात करिए और अपना ये फैसला जो इमरजेंसी वाला प्लीज अपने ऐसे हाथ में ना लिया करें आप लोग। सो डॉक्टर साहब ये जो है अगला क्वेश्चन, 25 साल का लड़का है ऑटिज्म से सफर कर रहा है, क्या वो ठीक हो सकता है? हाँ, ये वाले प्रश्न के बाद एक और प्रश्न लेके हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। तो जी डॉक्टर साहब ये 25 साल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोशिश की जा सकती है। पहले 1-1.5 महीने हमारा ऑटो इम्यून वाला वो देख के उसको उसी लाइफस्टाइल पे रखें, और अगर थोड़ा भी फर्क पड़ता है देन यू शुड कांटेक्ट एंड ये वी विल हेल्प यू आउट। और ऑटिज्म से मैं ये जानता हूँ, जिन जिन लोगों को ऑटिज्म है वो उनके दिमाग में क्या चलता है, उनके पेरेंट्स के दिमाग में क्या चलता है, पूरी की पूरी फैमिली, पूरे के पूरे लोग जो उनके जानने वाले हैं वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, बहुत ही दयनीय स्थिति होता है। तो हम अगर हेल्प कर पाएंगे, जितना भी कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, सो ये लास्ट क्वेश्चन आपने जैसा बोला है, अजीत वर्मा जी का है कि मेरी उम्र 64 साल है, मुझे हमेशा जीव पर चलना बने रहता है, जीव पर छाले बने रहते हैं, जीव पे जो गालों से होकर दाहिनी कान तक जाते हैं, जिसके कारण तीखा एवं मसालेदार खाने में परेशानी होती है। ये दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ द माउथ माइक्रोबायोम। माउथ माइक्रोबायोम को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले 20 से 25 दिन तक टूथपेस्ट और वो जो आप लोग वो लेके कुल्ली करके वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट्रीन माउथ वॉश और समथिंग ले जाए, उसको बिल्कुल ही अपने बाथरूम से उसको उससे टॉयलेट भी अच्छा क्लीन होता है वैसे, कभी ट्राई करके देखने वाली बात है। और उससे अगर टॉयलेट क्लीन कर लें तो फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और आपका माउथ माइक्रोबायोम बच जाएगा। हम जो नॉनसेंसेस कर रहे हैं उससे आश्चर्य होता है कि ये सभी लोगों को ये छाले क्यों नहीं है, होना सबको चाहिए। इसलिए आप 20 से 25 दिन तक ये तो कम से कम बंद करिए, और हल्दी लगाना शुरू करिए, लौंग से, हल्दी और लौंग के उससे उंगली में लेके वो करना शुरू करिए, रिस्टोर हो जाएगा ये। और भी छोटे छोटे तरीके जो माइक्रोबायोम रिस्टोर करने के हैं, आई एम श्योर अजीत के चैनल पे होंगे जो ये माइक्रोबायोम पे इतना काम कर रहे हैं। छोटे छोटे तरीके हैं, छोटे छोटे वेज हैं जहाँ पर हम कर सकते हैं, बड़े आराम से होगा ये। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे इस पे हमने कर रखे हैं, आप लोग जाके देखिए। सो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आज अगेन बहुत ही अच्छा लगा सेशन, बहुत बढ़िया मुझे लगा कि अर्थिंग के ऊपर आपने पूरी इतने अच्छे से जानकारी दी। सो बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू।
थैंक यू डॉक्टर साहब। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड आपको, प्लीज कमेंट करिएगा। दिस इज गोइंग टू बी सुपर हिट, आई डोंट नो सुपर हिट डॉक्टर, पर मुझे ये लगता है कि मैंने कवर पूरा आज करने की कोशिश की है और आप लोगों को फायदा जरूर होगा। तो आगे आप लोगों की मर्जी है, इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें। कोशिश मेरी ये होती है कि आप लोगों को कितना ज्यादा अच्छी जानकारी अच्छे वक्ताओं से, अच्छे एक्सपर्ट से दे सकें और आप लोग इसका फायदा उठा सकें। और अगेन, सबके सवालों के जवाब, सवाल नहीं ले पाता हूं मैं, मुझे माफ करिएगा, कई बार स्किप भी हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबके होते हैं, कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि किसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टाइम एक कंस्ट्रेंट है और अपने हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले सकूं मैं। सो आज जिसके नहीं ले पाया, अगले हफ्ते जुड़िए आप लोग और अगले हफ्ते जरूर कोशिश करूंगा कि मैं लूँ। तो आज के लिए इतना ही इस एपिसोड में। शाम को 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार मोटापे के ऊपर डॉक्टर सुनील आर्या जी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया एपिसोड होने वाला है, क्योंकि उनका भी जो पर्सपेक्टिव है आयुर्वेद को, मैं सलूट करता हूँ कि पूरा होलिस्टिक वे में जो डील करने वाला सिस्टम है हमारा आयुर्वेद, जैसे डॉक्टर पांडे बोलते हैं कि सब पैथीज की जननी है, कि माँ है आयुर्वेद। सो जरूर ज्वाइन करिएगा। और ये एपिसोड खत्म होने के बाद प्लीज लाइक सब्सक्राइब, नया जो लोग हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो वीडियोस लेके आते हैं आपको डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में मिल जाएगा जो रिलीज होता है। तो सो आज के लिए इतने दोस्तों, मेरा सपना, जय हिंद जय भारत, स्वस्थ हिंद स्वस्थ भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं 3:30 बजे, नमस्कार।